पिछले 5 सालों से प्रयत्न करने के बावजूद तमनार ब्लॉक के ग्राम पंचायत जीवरी में आज तक स्कूल नहीं खुल पाया है। कई आदिवासी लड़के लड़कियां प्रत्येक साल 8वीं पास करती हैं और दूरी की वजह से सरायपाली पढ़ने के लिए नहीं आ पाती। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी स्कूल जा रहे हैं हम लोग। कौन से गांव के हो? ठरकपुर के। ठरकपुर से सरायपाली कितना दूर पड़ता है? 8 किलोमीटर है। तो क्या क्या समस्याएं होती है रास्ते में? बहुत समस्याएं होती हैं। अभी तो रोड लगभग बना है, लेकिन पहले तो बहुत टूटा फूटा था। तो बहुत साल से जा रहे हैं हम लोग। अभी बहुत धूप ही है और ठंड महीना में तो अब स्कूल भी जल्दी लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दूर हो जाता है। आते टाइम भी लगभग अंधेरा ही हो जाता है, तो रात को फिर शाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अभी तो हम लोग 11वीं क्लास में हैं मैं हूँ, लेकिन जो हम लोग के जूनियर हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन लोगों का टाइम का बचत होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो को लगातार मैंने उस गांव के सरपंचों को दिखाया, ये जिला शिक्षा अधिकारी से मिले तथा कलेक्टर और अन्य नेताओं से मिले, जिसके माध्यम से आज उस गांव में स्कूल खुल चुका है। गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिनकी विशेष पहल से हमारे गांव जीवी में हाई स्कूल का शुभारम्भ हुआ। हमारी समस्या को आगे नहीं दिखाया था या प्रसारित नहीं किया था। हमारे स्थानीय सरायपाली क्षेत्र के जो राजेश गुप्ता जी हैं, हमारे यहाँ इंटरव्यू दिए थे और उसमें हम लोगों से रूबरू हुए और उस बात को उन्होंने शासन के स्तर तक दूरदर्शन के माध्यम से भेजा। छत्तीसगढ़ शासन की ध्यान हमारे वनांचल की ओर आकृष्ट किए। मैं गुप्ता जी को भी सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनकी विशेष पहल से, विशेष कदम उठाने से हमारे ग्राम पंचायत में हाई स्कूल का शुभारम्भ हुआ। इनके लिए मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी यहाँ स्कूल खुला तो आपको किस प्रकार से महसूस हो रहा है, कैसे लग रहा है? एक तो हम गरीब परिवार के हैं, रोज़ कहाँ से पैसा पाएंगे। यहाँ स्कूल खुला तो हम घर भी खाना खाने जा सकते हैं और हमारी पढ़ाई भी हो सकती है, समय की बचत हो रही है। 23 नवंबर 2016 में वहाँ एक हाई स्कूल खुल चुका है, जिसमें 9वीं क्लास लग रही है और पूरे बच्चे आज अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी फायदा हो रही है। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया।